गुड आफ्टरनून। आज सोयाबीन के प्राइजेस में करीबन 1.5% की तेजी के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, करीबन 3320 के करीब। अगस्त मंथ में हमने करीबन 4.5% की गिरावट मार्केट में ऑलरेडी आते हुए दिखी। पिछले 2 या 3 सेशन में हमने देखा जो प्राइजेस में जंप आया है वो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हुए, साथ में रुपए में जो गिरावट कंटिन्यू बढ़ रही है और एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल रहा है सोयाबीन के हिसाब से, वो एक मेजर फैक्टर है जो प्राइजेस को एक मोमेंटम पॉजिटिवली दिखा रहा है। टेक्निकली भी देखा जाए तो मार्केट में एक बाउंस एक्सपेक्टेड था जो पिछले 2 सेशन में हमने आते हुए देख चुके हैं। अपसाइड हमें लगता है कि काफ़ी लिमिटेड रहेगा, अपसाइड काफ़ी कैप है, बिकॉज सोयाबीन की जो एरिया है उसमें हमने 6.25% का बढ़ोतरी होते हुए देखा, जो करीबन 11.76 मिलियन हेक्टेयर का रहेगा इस बार। बम्पर क्रॉप, मानसून का कोई ज़्यादा मेजर थ्रेट नहीं है, तो मुझे लगता है प्राइजेस में गिरावट का रुख आने वाले दिनों में फिर से देखने मिल सकता है। अगर ये हफ्ते की बात करें तो हो सकता है प्राइजेस में 3350 3360 तक का लेवल जरूर दिखा सकता है, बट ये प्राइजेस सस्टेनेबल नहीं है। तो ट्रेडर के लिए सलाह है कि अगर 3350 3360 के लेवल में मिलता है तो 3420 के स्टॉप लॉस से बेच के चलिए, प्राइजेस फिर से 3200 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। धन्यवाद।